जी, जो ईसाइयों के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ है, ईसाई कम्युनिटी के साथ, इसके नेशनल और इंटरनेशनल दोनों डायमेंशंस हैं। देखिए, जो मणिपुर में जो हुआ कुकी समुदाय के साथ, उसमें बहुसंख्या आबादी कुकी जो है वो ईसाई है, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सेवन सिस्टर्स, सात राज्य हैं, उनमें एक बहुत साइजेबल, बहुत बड़ी तादाद है ईसाई आबादी की, जहां पे वहां सब नाराजगी है। और आपको पता होगा कि दर्शकों को भी हमारे मालूम होगा कि मिजोरम में अभी अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, तो वहां के जो मुख्यमंत्री थे, जो खुद चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने मोदी जी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि वो अपनी ईसाई आबादी को, जो वहां की ईसाई आबादी थी, जो मतदाता थे, उनको नाराज नहीं करना चाहते थे मोदी जी के साथ दिखाई देकर। क्योंकि मोदी जी जिस प्रचार विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपने मूल में ईसाई विरोधी विचारधारा है। उनकी जो गुरु गोलवरकर का कहना है कि इस देश के तीन ही शत्रु हैं, उसमें ईसाइयों, मिशनरीज को भी एक शत्रु माना गया है, मार्क्सिस्टों को माना गया है शत्रु, मुसलमानों को, मार्क्सिस्ट, मुस्लिम्स एंड मिशनरीज, तीन शत्रु बताए गए हैं। और देखिए, ये वही बीजेपी है जिसके कि अनुषांगिक संगठन के लोगों ने, अब तथाकथित तौर पे कहें या कैसे कहें, ग्राहम स्टेन्स की हत्या को भूले नहीं होंगे लोग। अभी चर्चों पे जो हमले हुए हैं, करीब 200-250 के करीब चर्च मणिपुर में जला दिए गए थे, जिसकी की गूंज यूरोपियन यूनियन तक पहुंची थी। और मोदी जी की जो ख्याति है, इस सरकार की जो ख्याति है, वो विदेशों में जो इस रूप में कुख्यात हो गए हैं या विख्यात हो गए हैं कि ये देश, ये सरकार अल्पसंख्यकों की विरोधी है, जिसका की नया ताजा उदाहरण अभी जो पन्नू, पतवंत सिंह पन्नू की जो हत्या के तथा कथित षड्यंत्र की बात हो, या फिर निज्जर की हत्या हो, बाइडन की जो यात्रा रद्द हुई है, उसके मूल में भी कहीं यही सारा अल्पसंख्यक विरोधी जो मानसिकता है मोदी जी की, वही इसके मूल में है। तो उससे मोदी जी को चिंता हुई है, क्योंकि मोदी जी नेशनल छवि के बजाय इंटरनेशनल छवि की ज्यादा चिंता करते हैं। तो अपनी इंटरनेशनल छवि को नुकसान ना पहुंचे, मोदी जी को लेबल ना किया जाए। लेकिन 900 चूहे खाने के बाद अगर बिल्ली हज को जाएगी, तो वो सबको मालूम है कि बिल्ली चूहे खा के आई है पीछे से। मैं इसमें मोदी जी को बिल्ली नहीं कह रही हूँ, सुनने वाले इस चीज को जरा अलग अलग करके सुने, लेकिन एक मुहावरे का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कि आप देश के अंदर एक लगातार ईसाई विरोधी माहौल बनाते हैं। जिस साल 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, उस दिन, उसी साल से 25 दिसंबर, जो कि क्रिसमस के तौर पे मनाया जाता है पूरे विश्व में और भारत में भी, उसको लगातार कोशिश रही पहले सुशासन दिवस बनाया जाएगा, पूरे देश में छुट्टी कैंसिल कर दी गई कि इस दिन स्कूलों में सुशासन दिवस के ऊपर निबंध प्रतियोगिता होगी। उसके बाद तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा, जबकि तुलसी पूजन इन महीनों में, कोई तुलसी पूजन की हिंदू धर्म में कोई ऐसा रिवाज नहीं है, कोई ऐसी रीति नहीं है, लेकिन तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा। भाई, एक तरफ तो आपके कार्यकर्ता और काडर पूरा तुलसी पूजन दिवस मना रहा है, और आप ईसाई के चर्चों में जाके मोमबत्ती जला रहे हैं, तो कौन सी बात सच है? आप किसका उल्लू बना रहे हैं? आप एक तरफ, आपको क्लियर करना पड़ेगा, इस तरीके से आपके वोट नहीं सज सकते। और अब जो इस देश के अल्पसंख्यक हैं, उसमें चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, वो सशंकित हैं, और ये इनको समझ में आ गया है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इतनी सारी ईसाई आबादी है, और साउथ के इंडिया के राज्यों में, केरल में बहुत बड़ी आबादी है, गोवा में बहुत बड़ी आबादी है, मुस्लिम आबादी है, और जिन आदिवासियों के वोट से इन्होंने मध्य प्रदेश और उसमें सरकार बनाई है, वहां भी उनमें से अधिसंख्या आदिवासी ईसाई हैं। तो ये उनको भी अपने पक्ष में लेने के लिए कर रहे होंगे कि भाई ठीक है, हम भले ही ईसाई विरोधी हैं, लेकिन अब हम आपके साथ सहृदयता का व्यवहार करेंगे और 2024 में हमें ही वोट देना। लेकिन ऐसा होने वाला अब नहीं है, लोगों ने साफ साफ देख लिया है कि ये अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता के जो ये सरकार है। तो इसलिए मोदी जी कोशिश कितनी भी कर लें। और रही बात ये आपके उपराष्ट्रपति महोदय साहब की, तो कल्याण बनर्जी ने आज फिर की है इनकी मिमिक्री, एक सभा के अंदर, एक कोई उनकी जनसभा हो रही थी, ओपन में उन्होंने मिमिक्री की है। तो उससे जे जितना इस चीज को इश्यू बनाएंगे, उतना ही ज्यादा और ये उठेगी बात, क्योंकि मिमिक्री करना कोई अपराध नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति की तो शोज मिमिक्री होती है, खूब जबरदस्त कार्टून, अरे कार्टून बनाना भी तो मिमिक्री है एक तरह की। तो क्या कार्टून बनाना इस देश में अवैध हो गया? स्टैंड अप कॉमेडियंस करते हैं, ये इसके बारे में तो इतनी चर्चा हो चुकी है, इसको ये खुद को लार्जर देन लाइफ बता रहे हैं। पहले आप देखिए,
आप अगर दूसरे से सम्मान चाहते हैं ना, तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप पहले बिल्कुल अपने अंदर वो काबिलियत को पैदा कीजिए, जिस तरह का व्यवहार आपका है और जिस तरह की बातें आप करते हैं उपराष्ट्रपति के तौर पे और राज्यसभा के सभापति के तौर पे, उसके बारे में बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं दुनिया में, वो आलोचना का विषय है आपका व्यवहार, तो आप कैसे मान रहे हैं? और देखिए, विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं है। और मैं आपको अब बता देती हूँ राजीव जी, क्योंकि विपक्ष का गला चारों तरफ से घोट दिया गया है, गोदी मीडिया विपक्ष के साथ है, यूट्यूब पे शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है, नया कानून लाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उसमें यूट्यूब जैसे आप जैसे चैनल्स के ऊपर शिकंजा तैयारी हो रही है कसने की, ताकि विपक्ष के कुछ बात लोग जो यहाँ बोल जाते हैं वो भी ना बोले, सरकार की आलोचना पूरी तरह बंद हो जाए। तो आप ये जो मिमिक्री का जो सिलसिला चला है ना राजीव जी, ये बात जोर पकड़ेगा। हर आप देखेंगे कि रोज किसी ना किसी नेता के, जो भाजपा के बड़े नेता की मिमिक्री के वीडियो सामने आएंगे, लोग दम जम के इनकी खिल्ली उड़ाएंगे, क्योंकि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है तो उसके बाद फिर इंसान इसी पे आ जाता है कि देखी जाएगी जो होगा, अब जेल ही जाना सही। अगर ये मिमिक्री के लिए जेल डालते हैं तो उल्टे इनको बुमरेंग करेगा। देखिए, इस वक्त आप विश्व के स्कैनर के नीचे लोग आपको लेंस लगा के देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये अभिव्यक्ति की आजादी को आप उसको लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो इसका मतलब कभी किसी जमाने में आके आप कार्टूनिंग के ऊपर भी बंद कर देंगे, कार्टून बनाना भी रोक लगा देंगे। कार्टून्स में लोग क्या होता है, किसी भी नेता के किसी एक फीचर को नाक लंबी बना देते हैं, कान लंबे बना देते, मोरारजी देसाई के कान बड़े थे उनके कान दिखा देते दे, इंदिरा गांधी की नाक लंबी थी नाक दिखा देते, तो वो तो नाराज होकर बैठ जाते हैं कार्टूनिस्टों से कि भी तुमने मेरी नाक लंबी क्यों दिखाई, मेरी नाक की मजाक बनाया। तो ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये स्टेट्समैन लाइक टॉक्स नहीं है, और इनसे कोई इनका ना तो इनका भला होने वाला है ना देश का भला होने वाला है। लोग मजाक बना रहे हैं और बनेगी अभी मजाक। मिमिक्री एक पदयात्रा के बाद अब मिमिक्री दूसरा राजनीतिक हथियार बनेगा राजीव जी, इस देश में बीजेपी के नेताओं की मिमिक्री होगी और विपक्ष के नेता पदयात्रा भी करेंगे, ये दो नए हथियार पैदा हुए हैं इस दौरान। जी राजीव जी, जी जी बिल्कुल, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां रख रही हैं कि बीजेपी के नेताओं की मिमिक्री भी होगी और पदयात्रा, वो भी खासकर पदयात्रा के दौरान, और पदयात्रा जो है वो विपक्ष के नेता जो अपोजिशन है वो करेगा, और बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि 2024 अब बहुत नज़दीक है। आज 25 तारीख क्रिसमस का दिन है और ये दिन भी बीत रहा है और इसके बाद अब उल्टी गिनती बिल्कुल ही, और नया साल बिल्कुल करीब है। नए साल में बहुत इतनी बड़ी बड़ी खबरें आपके लिए रहेंगी। भारत जोड़ो यात्रा अगर शुरू होती है तो वो कहाँ से शुरू होगी और उसमें क्या कुछ होने जा रहा है। उससे पहले इसी जनवरी महीने, जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन है, उसको लेकर खासकर बीजेपी बहुत